कांग्रेस के धान खरीदी के बयान पर मंत्री लखन लाल दिबांगर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का कार्य पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू किया था, कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार किया है। वहीं मंत्री लखन लाल दिबांगर ने कहा कि बीजेपी ने 3100 रुपये में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा अगर किसान धान नहीं भेज पाएंगे तो समय अवधि बढ़ाई जाएगी, 900 रुपये अंतर की राशि हम किसानों को एक मुश्त प्रदान करेंगे, अगले साल से खरीदी की प्रक्रिया सतत रूप से जारी की रहेगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। का एक्चुअली मामला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए बोए थे बोल रहे हैं, क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। और अभी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है किसानों का ज़्यादा उत्पादन होता है और किसान पूरे धान को अपने बेच रहे हैं, तो उसमें अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से भी पार हो रहा है। अभी 15 दिन खरीदी का समय और बाकी है और जितने किसान के पास धान है वो सारी धान खरीदी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान समय पर धान नहीं बेच पाएंगे और बाकी रह जाएंगे तो समय को भी हम बढ़ा देंगे।